हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें हमें गिवन है रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर एनेबल्स अ पर्सन टू बाई 2 किलोग्राम मोर फॉर ₹30। फाइंड द रिड्यूस एंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। इसमें हमसे बताया गया है कि शुगर के प्राइस में 20% की कमी होने के कारण एक पर्सन ₹30 में 2 किलो शुगर फालतू खरीदता है। तो हमें फाइंड करना है उस शुगर का ओरिजिनल प्राइस और रिड्यूस प्राइस, यानी जो पहले उसका प्राइस था वो, और जो 20% रिड्यूस होने के बाद क्या प्राइस था वो फाइंड करना है। तो इसको मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि इसको फाइंड कैसे करना हो। अगर हमें रिड्यूस प्राइस निकालना हो तो वो हो जाएगा 30 × 20, ठीक, डिवाइडेड बाय 100 × कितने किलोग्राम वो शुगर फालतू खरीदता था, यानी 2। तो हमारा ये आ जाएगा रिड्यूस प्राइस, जो कि आएगा ₹3 पर केजी। और अगर हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना हो तो वो आ जाएगा, हमारा ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा 30 × 20, और प्राइस रिड्यूस होने के बाद कितना बचा, यानी 100 − 20% × 2। तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा हमारा 30 × 20 डिवाइडेड बाय 80 × 2। तो ये आ जाएगा 15/4, यानी 4। जो ओरिजिनल प्राइस था वो आ गया हमारा 3/4 रुपीस पर केजी, ठीक। और जो हमारा रिड्यूस प्राइस जो था, जो इसको 20% रिड्यूस होने के बाद, वो है ₹3 पर केजी। और अगर हमें इसको वेरीफाई करना हो कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, तो हम ये जो आया है हमारा ओरिजिनल प्राइस, ठीक, इसको 20% रिड्यूस कर लेंगे, 20% रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी वो आ जाएगा हमारा रिड्यूस प्राइस, तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल और कराता हूँ मैं आपको इसका। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ रिडक्शन ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ टी एनेबल्स अ पर्सन टू बाई 3 किलोग्राम मोर फॉर ₹20। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस एंड रिड्यूस प्राइस ऑफ टी। इसमें हमें गिवन है कि ये टी के 30% अगर प्राइस रिड्यूस हो जाता है तो एक आदमी ₹20 में 3 किलो ज़्यादा टी खरीदता है। तो ये भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह होएगा, जैसे मैंने बताया था रिड्यूस प्राइस हो जाएगा हमारा 30 × 20 डिवाइडेड बाय 100 × 3। जो हमारा प्राइस जो है उसको मल्टीप्लाई करना है हमें कि कितने परसेंट रिड्यूस हो रहा है, ठीक, और डिवाइड कर देना है 100 × कि कितने किलो वो फालतू खरीद रहा है, उससे डिवाइड कर देना है। तो हमारा आ जाएगा रिड्यूस्ड प्राइस, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे ₹2 पर केजी, ठीक। और अगर हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना हो कि रिड्यूस होने से पहले उसका टी का क्या प्राइस था, तो उसका भी तरीका ऐसे ही है, 30 × 20 100 − कितना रिड्यूस हुआ है, 30% रिड्यूस हुआ है, इंटू कितने किलो फालतू खरीद रहा है वो, 3, ठीक। तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा 30 × 20 डिवाइडेड बाय 70 × 3, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ओरिजिनल प्राइस आ गया हमारा 20/7, जो कि इक्वल हो जाएगा 2/7 रुपीज
पर किलोग्राम। और अगर हमें इसको वेरीफाई करना हो तो हम इसमें से 2 6x7 रुपीज़ में से अगर 30% रिड्यूस कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा 2 रुपीज़ पर केजी। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं गिवन है अ 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस फोर्सेज अ पर्सन टू परचेज 2 किलोग्राम लेस फॉर ₹100। फाइंड द न्यू एंड ओरिजिनल प्राइस। जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें प्राइस जो है रिड्यूस हो रहा था और हम शुगर या टी जो है वो फालतू खरीद रहे थे, लेकिन इसमें क्या है प्राइस बढ़ रहा है उसकी वजह से हम कोई भी आइटम जो है वो कम खरीद रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक राइस का जो प्राइस है वो 10% बढ़ जाता है उसी वजह से हम ₹110 में 2 किलो कम खरीद पाते हैं राइस को। तो इसका भी अगर हमें और इसमें हमें निकालना है न्यू एंड ओरिजिनल प्राइस। अगर हमें न्यू प्राइस निकालना हो तो इसका तरीका बिल्कुल वही है जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था, 10% × 110 ठीक डिवाइडेड बाय 100 × 2। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही करा था। न्यू प्राइस निकालने का जो तरीका जो है वो तो बिल्कुल सेम है जैसे कि उसमें था रिड्यूस प्राइस जो हमने निकाला था वो, और न्यू प्राइस निकालने का तरीका सेम है, बस जो फर्क जो आएगा वो आएगा ओरिजिनल प्राइस निकालने में, ओरिजिनल प्राइस में ठीक। तो न्यू प्राइस हो जाएगा इसका 5.5 रुपीज़ पर केजी। और अगर हम बात करें ओरिजिनल प्राइस की तो वो हो जाएगा 10 × 110, 10 × 110 डिवाइडेड बाई 100 प्लस कितना इंक्रीज हुआ है वो 10% और कितनी क्वांटिटी कम खरीद रहा है अब × 2। लास्ट में हमने क्या करा था, लास्ट क्वेश्चन में प्राइस रिड्यूस हो रहा था तो हमने यहाँ पे वो माइनस करा था, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है बढ़ रहा है तो हमने वो परसेंटेज इसमें ऐड करा है। तो ये आ जाएगा 10 × 110 डिवाइडेड बाई 110, ये हो गया 110 × 2 5 ₹5 पर केजी। यानी जो पहले प्राइस जो था वो था ₹5 पर किलोग्राम, और जब 10% बढ़ गया, 10% बढ़ा तो न्यू प्राइस जो है वो हो गया ₹5.50 पर किलो, जिसकी वजह से ₹110 में 1% 2 किलो कम राइस खरीद रहा था। बस इसमें हमें ध्यान में क्या रखना है, जो लास्ट टाइप था और ये वाले टाइप में लास्ट में प्राइस रिड्यूस हो रहा था और हम क्वांटिटी फालतू खरीद रहे थे, इसमें प्राइस इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से हम क्वांटिटी कम खरीद पा रहे हैं। तो न्यू प्राइस निकालने का तरीका तो बिल्कुल वही है जो लास्ट क्वेश्चन में था, लेकिन ओरिजिनल प्राइस निकालने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें हम क्या है 10% या फिर जो भी जितना भी परसेंट इंक्रीज हुआ है वो इसमें हम प्लस करेंगे। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है अ 15% हाइक इन द प्राइस ऑफ व्हीट फोर्सेस अ पर्सन टू परचेज 2 किलोग्राम लेस फॉर ₹46। फाइंड द न्यू प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ द व्हीट। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह है। इसमें हमें बोला है कि व्हीट के प्राइस जो है 15% इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से 1% जो है ₹46 में 2 किलो कम व्हीट खरीदता है। तो इसका न्यू प्राइस अगर हमें निकालना हो तो बिल्कुल तरीका वही है 46 × 15 डिवाइडेड बाई 100 × कितनी क्वांटिटी कम खरीद रहा है 2। तो ये आ जाएगा 69 / 20 यानी आ गया 3.45 रुपीज़ पर केजी। ये हमारा है न्यू प्राइस ठीक। और अगर हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना हो बढ़ने से पहले कितना था तो वो उसका तरीका भी न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा यानी 15 × 46 15
46 डिवाइडेड बाय 100 माइनस कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 100 प्लस 15, और कितने क्वांटिटी वो कम खरीद रहा है इस बार 2, तो यह आ जाएगा 15 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 2 वन जा 5 जा 3, तो आंसर आ गया हमारा 3 रुपीज़ पर किलोग्राम। पहले जो ओरिजिनल प्राइस जो था वो था 3 रुपीज़ पर केजी, और 15% इंक्रीज करने के बाद प्राइस हो गया हमारा 3.45 रुपीज़ पर केजी। बस इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हाइक हो रहा है ठीक, तो यहाँ पे हमें प्लस करना है, और अगर रिड्यूस हो रहा है जो कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में था, तो हमें माइनस करना है, तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। और न्यू प्राइस निकालने का तरीका हमारा दोनों का बिल्कुल सेम ही है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।